हेलो फ्रेंड्स, अब आपको हम आज ये बताएंगे कि आखिर हिस्ट्रोस्कोपी कैसे होती है। हिस्ट्रोस्कोपी यानी कि बच्चेदानी की जो दूरबीन से जांच होती है, तो ये तो दूरबीन है जिसके ऊपर की हम लोग ये कैमरा अटैच करते हैं। ये कैमरा होता है, जब इस कैमरे को इसके ऊपर अटैच करते हैं, और साथ में ये होता है हिस्ट्रोस्कोप जिसके थ्रू ये हम बच्चेदानी के अंदर डालते हैं, जिससे कि अंदर का पिक्चर पूरा बाहर आ जाता है। इसके ऊपर एक लाइट केबल अटैच की जाती है, जिससे कि हमें अंदर रोशनी मिल पाती है। बिना रोशनी के तो हम देख नहीं पाएंगे। और एक इसके ऊपर पानी का केबल भी अटैच किया जाता है। इसके ऊपर हमने पानी का केबल अटैच कर लिया है, और ये पानी इसमें अब चालू हो गया है। अब हम इसको यूट्रस के अंदर, अब हम स्क्रीन पे दिखाते हैं, यूट्रस के अंदर हम लोग एंडोस्कोप यानी कि हिस्ट्रोस्कोप या दूरबीन को अंदर डाल रहे हैं। ये जो आपके सामने स्क्रीन पर हम लोग दिखा रहे हैं, तो इस तरीके से आपने देखा कि इस दूरबीन का मैजिक पूरा यूट्रस के अंदर जाकर अंदर की सारी बीमारियां ढूंढ लेती है कि इसके अंदर गांठ है, पॉलिप है या और कोई प्रॉब्लम है। तो इस प्रकार से दूरबीन बहुत अच्छी चीज़ है, जिससे कि अंदर का सारा सिस्टम, सारी बीमारियां पता चल जाती है। इसी को हिस्ट्रोस्कोपी कहा जाता है।